ओके, तो इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें बता दिया जाता है कि इस शहर के ऊपर बनी जो चंदेरी पुराण है, जिसके बारे में हमें सिंहस्त्री मूवी में बताया गया था, उस किताब से कुछ पन्ने गायब। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? हाँ, तो बागी पेजेस भी अब रुद्रा भैया को मिल चुके हैं और उन्हें पता चल चुका है कि स्त्री के चले जाने के बाद ही चंदेरी में सरकटा आ जाएगा। असल में पहले सरकटा ही वो महिला को मारकर उसे भूत बनाने वाला इंसान, नहीं सॉरी, सरकटा है। तो स्त्री की वजह से वो चंदेरी में आ नहीं पा रहा था, लेकिन अब स्त्री चली गई है, सरकटा का रास्ता साफ हो चुका है, तो वो चंदेरी में वापस भी आ चुका है। पर यार, स्त्री की एंडिंग में तो हमें स्त्री दिख रही थी ना, और वो स्त्री रक्षा करने वाली लाइन को पढ़कर वो चंदेरी की रक्षा भी कर रही थी, जिसकी वजह से उसे बाल्टी भर भर के दूध भी चढ़ाया जा रहा था। तो अब ये स्त्री चले जाने की बात कहाँ से आ रही है, पता नहीं, मूवी में जाके मिल जाएगा जवाब इसका। पर हाँ, स्त्री चली तो गई है, और वो जाने के बाद चंदेरी में सरकटा का आतंक भी मच रहा है। पहले वो महिलाओं को उठाते हुए ले जाते हुए दिखता है, और बाद में पुरुषों को हिप्नोटाइज भी कर रहा है। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है। जैसे आपको याद है ना, ये सीन को टीजर में भी दिखाया गया था, और इसके सीक्वेंस कुछ और शॉर्ट्स भी दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि इस सीक्वेंस से पहले वो तमन्ना वाला सॉन्ग होगा, फिर सरकटा आकर सारे मेल को हिप्नोटाइज करेगा, और उसके बाद वो तमन्ना के ऊपर भी अटैक करेगा, एंड आई फील वो उसे वहीं लेके जाएगा जहाँ पर वो सबके बाल मुंडवा रहा है। तो उस सरकटे का सामना करते हुए यहाँ हमें विक्की और श्रद्धा के कैरेक्टर दिखने वाला है। पर यह नोटिस करने वाली बात ये है कि पूरे गाँव को तो सरकटा अपने वश में कर लिया, लेकिन विक्की कैसे बची है? श्रद्धा का समझ में आता है, उसके पास चुड़ैल वाली पावर है, लेकिन विक्की तो नॉर्मल इंसान है भाई, फिर इन्हें क्यों छोड़ा? इसका आंसर भी मूवी में मिलेगा। फिर आगे विक्की के चारों तरफ चंदेरी की सारी महिलाएं दिख रही होती, जैसे कि इसके पहले वाले सीन में आपको हर जगह पुरुष दिखते हैं, वहीं भी महिलाएं नहीं दिखती हैं। अब देखो, एक और शॉट देखा था मैंने, हाँ, उसमें श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर अचानक से भूत बन जाता है और विक्की की उंगली को खा जाता है। हिसाब से तो नहीं है, बिकॉज देखो, जैसे ही क्लाइमेक्स का सीन खत्म होता है, क्लाइमेक्स आता है, तो वहाँ पे विक्की जब राजकुमार बनता है, तो वहाँ पर उसकी सारी उंगलियाँ सही होती हैं, और ऐसा स्त्री वन में ये लोग हमारे साथ कर चुके हैं, जहाँ पर कुछ विक्की इमेजिन अजीबोगरीब इमेजिनेशन करता है, तो यहीं पर, यहाँ पर भी उसने इमेजिनेशन करी है भाई। यहाँ पर कोई श्रद्धा भूत नहीं बनती है, कोई उंगली नहीं चबाती, वो सब इसकी इमेजिनेशन है। इससे आगे हम विक्की, बट्टो, जना और रुद्र भैया की एक चेस सीन देखने को मिलती है, जहां वो शायद पहले स्त्री के खोज में गए थे, लेकिन मिल गया उन्हें सरकटा, तो ये अपना जान बचा के भाग रहे हैं। अरे काट दिया रे तैयार, ये लोग कुछ प्लान बनाते हैं। पर क्या आपने यहाँ पे नोटिस किया कि इस सीन में जहाँ पे प्लानिंग हो रही है, वहां पे बिट्टू नहीं दिखता है, और इसके बाद भी जब विक्की राजकुमार बन के निकलता है, तब भी उनके साथ बिट्टू नहीं दिखता है। इसका मतलब, जैसे पहले पार्ट में क्या हुआ था कि विक्की का दोस्त जना स्त्री के वश में था, तो सेकंड पार्ट में अब सरकटा के वश में बिट्टू ही रहने वाला है, जिसकी झलक हम ट्रेलर में भी देख लिए हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सरकटा का अड्डा, जहाँ भैया महिलाओं को सफ़ेद कपड़ा पहना के उनके सर मुंडवा रहा है। मतलब ये भी उस स्त्री की तरह निकला, जैसे स्त्री के फर्स्ट पार्ट में सारे पुरुषों को स्त्री बंद करके रखती थी, वैसे अब इसने भी, सरकटा ने सारे महिलाओं को यहाँ कैद करके रखा है, जिसे देखने के बाद मन में सवाल उठने लगते हैं कि करना क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है? स्त्री की तो चंदेरी वालों से बदला लेना था, इसलिए वो शहर वालों को परेशान कर रही थी, लेकिन एक मिनट, जब चंदेरी वाले नहीं, सरकटा की वजह से ये स्त्री मारी गई और इतनी भूतनी भी बन गई, तो सरकटा को छोड़कर चंदेरी वालों को परेशान क्यों कर रही थी? चलो, अब ये राजमिसे के साथ चला गया, वापस आएगी तो बताएगी, लेकिन यहाँ ये सरकटे का मकसद क्या है? श्रद्धा का कैरेक्टर में, मतलब एक लाइन आती है, श्रद्धा का कैरेक्टर बोल रहा होता है कि महापूजा के आखिरी दिन उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। नहीं होगा, वरना महाविनाश होगा। डायलॉग देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकटा कुछ बड़ा प्लान है, सिर्फ आतंक बचाने के लिए तो ये नहीं कर रहा। उसे सिर्फ आतंक ही बचाना होता तो महिलाओं को मार भी देता, लेकिन अभी तक उन महिलाओं को जिंदा रखा है सर काट के। समथिंग लाइक शैतान मूवी होने वाला है क्या यहाँ पे? पता नहीं, आई डोंट, हाउ वुड आई नो। बेचारे की देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ भी जाता है उसको सर अपना साथ लेके जाना होता है। अलग अलग रहे तो बॉडी कुछ भी देख भी नहीं सकती ना, बोल भी नहीं सकती, कोई भी साउंड सुन नहीं सकती, और ना ही सर अपने बॉडी के बिना ढंग से कुछ कर सकते। और हम सरकटा के बॉडी को भी देख सकते हैं, उसकी बॉडी हील ही नहीं हो रही है, तो क्या पता मामला कुछ ऐसा हो कि अगर उसका सर उसकी बॉडी में जॉइंट हो जाए तो उसकी बॉडी ठीक हो जाए, वो डबल पावरफुल बन जाए, जिसके बाद उससे स्त्री से डरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब तभी हो सकता है जब वो शैतान मूवी की तरह कुछ कांड करे। हाँ, पर ये सब एक थ्योरी है, आपको उसके बारे में क्या कहना है? देखो, पहले पार्ट वन में क्या देखा था कि चोटी के बिना स्त्री कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसकी तो चोटी काट करके श्रद्धा कपूर यूज़ करती है, उसकी तो शक्ति ही नहीं बची है।
बिना पावर के वो सरकटा से कैसे लड़ेगी? और श्रद्धा कपूर अपनी चोटी जो कि उसको पावरफुल बनाती है वो स्त्री को क्यों देगी? क्या श्रद्धा ही स्त्री है? स्त्री ही श्रद्धा है? कुछ नहीं पता, ये सब हम लोग को मूवी में पता चलेगा भाई लोग। लेकिन हम सोच रहे थे ना, जब जना के पास अपना ब्रह्मास्त्र भेड़िया है तो वो भेड़िया को क्यों नहीं बुला लेता? वो तो एक पूरा का पूरा सुअर खा जाए, पूरा का पूरा इंसान खा जाता है, तो वो अगर यहाँ अगर सरकटा का सर खा जाए तो सरकटा तो खत्म ना। गाइस तुम लोग अगर सोच रहे हो कि भेड़िया आने वाला है वो आएगा, मैं बता रही हूँ, गूगल गूगल प्रूव एवरीथिंग। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो लाइक पसंद तो आ ही रही है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या 2 मिनट आंटी।